ये जो है सीएट बी बीएड एग्जामिनेशन 2023 का है, और आपको दिखाते हैं कि मेरा एग्जाम कैसा गया। और यहाँ पे पहले मेरे क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश का सब्जेक्ट आ चुका था, यहाँ पे इंग्लिश पूछा गया था 15 सवाल, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से सबका जवाब दिया है। और इसके बाद दूसरा में सामान्य हिंदी पूछा गया था। सामान्य हिंदी में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा कहानी देके गद्यांश, और नीचे उनमें से आंसर खोज के उनको लिखना था, ठीक है। इसको लिख दिए थे, अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन चालू हुआ था 21 नंबर क्वेश्चन था, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या। तो इसमें मैंने सी माना था, आप लोग बता सकते हैं कमेंट में कि क्या होता है मेरा सही है या गलत, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। आपको दिखाते हैं 22वां क्वेश्चन, किस वाक्य में अपादान कारक है, मैंने इसमें हिमालय से गंगा निकलती है ये माना था। 23 नंबर रेलगाड़ी शब्द, रेलगाड़ी शब्द जैसे कि रेल और गाड़ी शब्द है, इसलिए मैंने यहाँ पे संकर ऑप्शन माना था, ठीक है। और 24 का जो है त्रिफला में कौन सा समास है, यहाँ पे त्रिफला को मैंने, यही मैं कन्फ्यूज था कि द्वंद या द्विगी, तो मैंने यहाँ पे इसको काट के और द्विगी द्विगु जो ऑप्शन है उसको दिया था, क्योंकि उसमें नंबर वाइज आता है। उसके बाद देखिए लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें मैंने ओक ओक डी मारा है। द्वैग का अर्थ किससे है, देवता से ये मारा है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यहाँ पे हमें लगा व्यवहारिक सही है, इसलिए मैंने अपने आंसर में व्यवहारिक मारा, ठीक है। और आपको दिखाते हैं किस रस को रसराज कहा जाता है, इसमें मैंने श्रृंगार रस मारा था। और तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ में मैंने सी नंबर मारा था, काम करते समय उसकी पहचान करना, ठीक है। मुख्य का विलोम विमुख मैंने मारा था। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हिंदी समाप्त होता है, और उसके बाद आता है लॉजिकल एंड एनालिसिस रीजनिंग। रीजनिंग के क्वेश्चन में मैंने 31वां नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, 31वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी मीडियम में देखिए, क्या छात्रों को सुबह समय जल्दी पढ़ना चाहिए, हाँ उस वक्त दिमाग ताज़ा और सतर्क रहता है, नहीं जल्दी उठने वाले को दिन भर नींद नहीं आती है। तो मैंने इसमें सिर्फ एक केवल तर्क एक शक्तिशाली है यही आंसर दिया था। उसके बाद 32 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरीके से बनाया था जिसका आंसर सी बनाया था, और देख सकते हैं 8 और 4 12 और 3 1 4 12 -4 8, और फिर ये दोनों को 3 7 3 10 और 3 और 1 4 माइनस, तो हो गया 6, फिर 6 2 8 और 1 1 2 माइनस, तो हो गया 6, उसके बाद 6 5 11 2 2 4 माइनस 7, ठीक है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित अंकीय आकृति में अंकीय चिन्ह लगाइए, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने इसको इस तरीके से लगाया था कि 8 को अगर हम 8 से जोड़ देते हैं और -2 करते हैं फिर गुना 1 करते हैं तो बराबर 14 आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डी नंबर मारा था, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 4 और 3 को गुना करना है, 12 और 6 5 30 यानी कि 42 हो जाता है, और यहाँ पे 9 2 18 यानी गुना दोनों को करना है, 6 9 18 36 18 फिर वैसे ही कर देना है, 7 5 35 8 9 16 35 6 47 और 1 51 यानी यहाँ पे बी आंसर। यहाँ पे कुछ कन्फर्म है कि ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने एक ये 35 नंबर क्वेश्चन बनाया जो कि 30 मीटर सीढ़ी है और 15 मीटर का दीवार है, और इस प्रकार रखा जाता है कि वह दीवार के ठीक ऊपर पहुँचे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे रखना है तो ये 15 और ये 30 यानी कि ये हो जाता है 45 डिग्री का कोण बना के, तो दीवार की ऊंचाई के बराबर पहुँच जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम 45 डिग्री मार देंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 100 और 400 के बीच 6 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग, ये मैं कन्फर्म नहीं था इसलिए हो सकता है ये गलती हो जाए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, दिए गए संख्याओं के सेट को माध्यिक का ज्ञात कीजिए, इसमें मैंने 8 मारा था। उसके बाद एक पुस्तक में हमेशा होता है, इसलिए एक पुस्तक में कुछ हो ना हो पृष्ठ तो जरूर होता है, तभी तो पुस्तक होता है, इसलिए मैंने पृष्ठ मारा था। निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, इसमें मैंने पहले रोगी मारा था, रोगी के बाद डॉक्टर, डॉक्टर के बाद उपचार, उपचार के बाद निदान, निदान के बाद बिल, इसलिए
उसमें मैंने ए मारा था। अब क्या होता है आंसर वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति 0 से 99 तक की सभी संख्याओं को लिखता है, अंक 3 को कितनी बार लिखा जाएगा। ठीक है, ये तो बार बार पढ़ाया जा चुका है तो इसलिए मैंने इसका 19 बार मार दिया था। ठीक है, और उसके बाद देखिए इस श्रृंखला को देखें और आंसर दें। ठीक है, ये जो था इसको मैंने इस तरीके से बनाया था कि ये देखिए U V W X Y, तो इसलिए यहाँ पे मैंने W मांगा, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 20 और 3 23, 23 और 3 26, 26 3 29, 29 3 32, तो इसलिए यहाँ पे W और 26 आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्या आता है कमेंट करके जरूर बताइए। और यहाँ पे देखिए ये 42 नंबर क्वेश्चन में मैंने मारा था सी नंबर क्वेश्चन, ए यू ए और बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, ये आप लोगों को क्या आता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे 43 नंबर क्वेश्चन, ये शायद गलत भी हो सकता है क्योंकि बहुत दिन हो चुका है पढ़ा हुआ। निम्नलिखित तर्क में, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको सी मारा था। ठीक है, निम्नलिखित तर्क में तर्क की पहचान करें, बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर जैसा होता है। काल्पनिक मान सकते हैं क्योंकि कल्पना ही तो कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या आता है कमेंट में जरूर आंसर लिखिएगा कि 45 नंबर का आपको क्या मालूम है आंसर। निम्नलिखित चार अक्षरों का समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक गलत है, विषम को पहचानना। तो मैंने यहाँ पे सबका कोड उतार दिया था, लेकिन इसमें हमको लगा कि सी नंबर क्वेश्चन होगा क्योंकि सब में नीचे से बढ़ता है और इसमें घटते जाता है, इसलिए मैंने इसको मारा था। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे। 40 छात्रों की एक पंक्ति में शीला सौरभ के दाएं से 5वें स्थान पर है, जो दाएं छोर से 18वें स्थान पर है, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना होगा कि 5वें स्थान पे जो सौरभ के दाएं स्थान पे 5वें स्थान पर है। अब बोल रहा है जो दाएं छोर से 18वें, यानी सौरभ के बारे में बोल रहा है कि सौरभ दाएं से 18वें स्थान पर है, इसलिए मैंने इसको बना के और इसका आंसर जो था और मैंने 28 मारा है। आपको क्या आता है कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद 47 का एक देखिए, एक व्यक्ति पूरब की ओर से चलते हुए घड़ी की दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है, 270 डिग्री यानी पूरब की दिशा में, मान लेते हैं इधर पूरब है तो इधर जा रहा है 270 यानी 90 ऐसे, 90 ऐसे और फिर 90 ऐसे, यानी पूरब इधर है तो इधर जो है उत्तर होगा, यानी कि इसलिए मैंने डी मार दिया था आंसर। उसके बाद देखिए 48 नंबर, इस श्रृंखला को देखिए, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, इसलिए मैंने इसको 10 मारा था। अब इसको 49 नंबर देखिए क्वेश्चन, 49 नंबर में ये ऐसे के बाद 2, 2, 4, 2, 6 इसका कोण है, इसमें 5 कोण है, इसमें 4 कोण है, इसके बाद तीसरा कोण है, और सबके कोण के बाद इधर जो मुंह खुला है उसके बाद नीचे खुलता है, तो इसका आंसर मैंने डी मारा। डी मारने के बाद इसमें त्रिभुज की संख्या हमको 15 आया था, आपको क्या आता है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसमें मैं शायद गलत हो सकता हूँ क्योंकि इसमें जो आया वर्ग खोजना था वो 15 मुझको आया था, आपको क्या था आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद अनिल उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर चलता है, फिर अपने बाएं मुड़ता है, फिर 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, इस बिंदु पर वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है और फिर 3 किलोमीटर चलते हैं, यानी ये 3, ये 2, ये 3, ये 3, तो यहाँ से इसको 1 किलोमीटर हो जाएगा इसका दूरी। ठीक है, आपको क्या आता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 53 नंबर क्वेश्चन में मैंने ऐसे बनाया था क्योंकि पहला जो होता है वो सदस्य, उसके बाद समुदाय, उसके बाद सदस्य के बाद परिवार, परिवार के बाद समुदाय, समुदाय के बाद स्थानीय, उसके बाद देश, आपको क्या आता है आंसर आप जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैंची जो है कपड़ा काटता है तो कुल्हाड़ी लकड़ी काटेगा, इसलिए मैंने इस पर ए नंबर क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का ई नंबर आंसर दिया था। उसके बाद देखें यहाँ पे जी यू एन एच बी ओ के रूप में कोडित है तो पी एन क्या होगा, तो यहाँ पे हम सब जानते हैं ई एफ जी एच टी यू वी एन एम एन ओ, यानी कि जी एच, यानी कि एक एक अक्षर बढ़ा के यहाँ पे लिखा गया, इसलिए इसका आंसर एम आर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बताते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब कमेंट करें कि हमारा परीक्षा कैसा गया।